मंगलवार को कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गंगाबाई घाट परिसर में हत्या का मामला सामने आया। जन्मदिन के दिन ही आरोपी ने मृतक को मौत के घाट उतारा है। मंगलवार को अपने जन्मदिन की पार्टी मनाने के बाद अपनी मौत की खबर खुद दे दी और यह मजाक सच में बदल गया। मामला कुछ इस तरह का है कि मृतक मनीष यादव फल फ्रूट का व्यवसाय करता था। उसका मंगलवार को जन्मदिन था, जिसकी पार्टी देने के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गया था। पार्टी से लौटने के बाद गंगाबाई घाट के पास तीन आरोपियों ने मिलकर मनीष की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार गंगाबाई घाट में आरोपी गणेश उर्फ दादू सुदामा मांडले, नीलेश उर्फ भूरिया गणेश भूरे, श्याम राजू वासनिक यह मृतदेह जलाने में मदद करने का काम करते हैं। आरोपी गंगाबाई घाट के पास गांजा पी रहे थे, मृतक वहां से गुजर रहा था। उसी समय आरोपी को घर जाने की बात कही, उसी को लेकर आरोपी ने उसका पीछा किया और उसे धारदार शस्त्र से वार कर हत्या की। मृतक जो है मनीष सुजीत यादव म्हणून जो मृतक है वो 24-25 वर्ष हा फ्रूट सा गाड़ा चालवतो इथं कल्याणेश्वर मंदिर जवळ। याचा तीन आरोपितांनी मर्डर केलेला आहे। मर्डर हा शुल्लक कारणावरून गंगाबाई घाट रोडवर तूतू मोहिमेचा वाद झाला, किरकोळ वाद, आणि त्या वादाचं पर्यवसान जे आहे त्याला एक धारदार शस्त्राने मारण्यात आलेलं आहे। तीन आरोपी आहेत गणेश पांडले, निलेश भुरे, श्याम वासनिक। तिन्ही आरोपी घटना घडल्यानंतर आम्ही ताब्यात घेतली आणि त्यांना अटक केलेला आहे। प्रायमरी तपासात कालपासून आतापर्यंतच्या याच्यात शुल्लक कारणावरून रस्त्यावरच्या वादाच्या पर्यवसनातून मर्डरची स्टोरी सध्यापर्यंत तरी आलेली आहे, परंतु CCTV फुटेज, आजूबाजूचे विचारपूस, साक्षीदार किंवा अजून काही यात वेगळं हे अँगल आहे किंवा वाद कशामुळे झाला याबद्दल सखोल सध्या तपास सुरू आहे। आरोपींना आज PCR कोर्टात घेऊन जाणार आहोत, त्यानंतर उर्वरित तपासाची जसं जसं येईल तशी दिशा निश्चित ठरेल। मृतक की 12 अप्रैल की शादी थी। वह कल्याणेश्वर मंदिर के पास रहता था। वह रियान नामक व्यक्ति के साथ फ्रूट का ठेला लगाता था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ स्वप्निल बुंधाड़े, BCN न्यूज़ नागपुर।